तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए काफ़ी बार आपको लगता है कि हिडन चार्जेस आपसे लिए गए हैं। हालांकि हिडन चार्जेस कुछ नहीं होते, कई बार ब्रोकर डायरेक्टली आपको बताते नहीं हैं। इसी तरह का एक हिडन चार्ज है डीपी चार्ज, डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। लेकिन ये कितना लगता है, कब लगता है, किस तरह से आपके ट्रेड अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं, इस वीडियो में सब बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डीपी चार्जेस का मतलब, जैसे बताया, डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस हैं। इसमें दो शब्द हैं, डेपोजिटरी और पार्टिसिपेंट। डेपोजिटरी भारत में दो हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, जो आपके डीमेट अकाउंट को एक्चुअल में मेंटेन करती हैं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवा के। तो एक तरीके से आपका डीमेट अकाउंट इन दो डेपोजिटरीज के साथ मेंटेन होता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। जो डेपोजिटरी के बाद पार्टिसिपेंट वर्ड है, डीपी है, वो आपका स्टॉक ब्रोकर होता है। तो इस पर्टिकुलर चार्ज में डेपोजिटरी का कुछ खर्चा होता है करीब 4.5-5 रुपए, और उसके अलावा कुछ खर्चे आपका स्टॉक ब्रोकर लेता है, और वो वेरी करता है फ्रॉम वन स्टॉक ब्रोकर टू अनदर। इसका कोई फिक्स रेट नहीं बनता, एक ब्रोकर का चार्ज बिल्कुल अलग हो सकता है दूसरे स्टॉक ब्रोकर से। तो एक एक करके बात करेंगे कि जो भारत के 10-12 अच्छे ब्रोकर हैं, नंबर्स के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से नहीं, उनके डीपी चार्जेस क्या हैं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपके लेवल पे जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। एक बात ये भी समझ लें कि ये तभी लगाए जाते हैं जब आपके अकाउंट में से शेयर को बेचा जाता है, मतलब ज़्यादातर डिलीवरी ट्रेड पे आपको ये चार्ज देना है। उसके अलावा ये भी आपको जानना है कि जब भी आपने अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर को डाला, जब आपने खरीदा, तो कोई पैसा नहीं लगेगा। डीपी चार्ज सिर्फ आपके अकाउंट में से सेलिंग के टाइम पे ही एप्लीकेबल होता है। तो शुरुआत करते हैं कुछ ब्रोकर से, बात करते हैं रिलायंस सिक्योरिटीज़ की। ये आपसे 25 रुपये लेगा पर स्क्रिप। ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो चार्ज है हर स्क्रिप पे लिया जाता है। इसका आपकी ट्रेड टर्नओवर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। मान लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपये का ट्रेड किया, आपने 1,000 स्टॉक खरीदे और वहीं आपने 10 स्टॉक खरीदे करीब 10,000 रुपये के, तो आपका जो डीपी चार्ज है वो आपका स्क्रिप लेवल पे रहेगा। 1,000 स्टॉक अगर आपने एक ही कंपनी के लिए, तो आपको एक ही बार ये 25 रुपये फॉर एग्जांपल देने हैं। लेकिन अगर आपने 10 स्टॉक 10 अलग अलग कंपनीज के लिए, तो आपको 25 × 10 250 रुपये डीपी चार्ज देना होगा। इस एग्जांपल को याद रखिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। डीपी चार्ज जो आपको देना है स्क्रिप लेवल पे देना है। मान लीजिए इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, इन तरह के 5 शेयर आपने खरीदे अलग अलग कंपनीज के, तो 5 बार आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा नंबर, और वो आपका ट्रेड पे डीपी चार्ज लगेगा। तो रिलायंस सिक्योरिटीज़ का आपको एग्जांपल दिया, उसके अलावा कुछ और ब्रोकर भी हैं। फॉर एग्जांपल एडवाइस ब्रोकिंग एक स्टॉक ब्रोकर है, 20 रुपये चार्ज करता है ये डीपी चार्ज। इसमें दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जाता है डेपोजिटरी के पास जो 4.5-5.5 रुपये होता है, और जो दूसरा हिस्सा है वो जाता है ब्रोकर के पास। इसके अलावा इसके ऊपर GST भी लगेगा। तो जो भी 20 रुपये मान लीजिए लगेगा, तो 18% इसके ऊपर GST भी लगने वाला है, तो 3.6 रुपीज़ लगेगा। तो एडलवाइड के केस में और बाकी स्टॉक ब्रोकर के केस में भी आपको GST अलग से देना होगा, जो भी नंबर हम बता रहे हैं ऑन टॉप ऑफ दैट। नाउ जियोजीत फाइनेंशियल एक स्टॉक ब्रोकर है फुल सर्विस लेवल पे, वो आपसे 30 रुपीज़ लेगा डीपी चार्ज। 5 पैसा डिस्काउंट ब्रोकर है, वो 12.5 रुपये लेता है अगर आपने उनका बेसिक प्लान लिया है। इनके दो बड़े प्लान भी हैं, उसमें डीपी चार्ज फ्री होता है, उसका कोई खर्चा आपको नहीं देना। अपस्टॉक्स में 18.5 रुपये आपको डीपी चार्ज देना है। नंबर्स को ध्यान रखिएगा, हालांकि स्क्रीन पे आपको सामने दिखेंगे ये नंबर्स, लेकिन डिपेंडिंग कि आपका स्टॉक ब्रोकर कौन सा है या किसके साथ आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, उसके डीपी चार्ज आपको पता होने चाहिए। एक्सिस सिक्योरिटीज़ जो कि एक बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है, 27 रुपये लेगा। कोटक सिक्योरिटीज़ का भी सेम रेट है, वो भी 27 रुपये डीपी चार्ज लेता है। HDFC सिक्योरिटीज़ और ICICI डायरेक्ट एक लेवल पे बड़े स्टॉक ब्रोकर हैं बैंकिंग में, ये 25 रुपये आपसे लेते हैं डीपी चार्ज के रूप में हर स्क्रिप का। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, IIFL इंडिया इन्फोलाइन करीब 25 रुपये लेता है,
मोतीलाल ओसवाल 35 रुपये डीपी चार्ज लेता है। ये मैक्सिमम स्लैब है, इससे कम हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेड टर्नओवर। कुछ कुछ स्टॉक ब्रोकर ने ट्रेड टर्नओवर पे लगा रखा है, लेकिन मैक्सिमम जो कैप है वो हम आपको बता रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग 20 रुपये लेता है और ज़ेरोडा लेता है 13.5 रुपये। तो एक तरीके से एक काफ़ी बड़ी रेंज है, कोई 12.5 रुपये लेता है तो कोई 35 रुपये, तो एक वेरियंस अच्छा खासा है यहाँ पे। डिपेंडिंग के आपका स्टॉक ब्रोकर कौन सा है, आपका डीपी चार्ज उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। आपको ये भी समझना है कि ये जो पर्टिकुलर चार्जेस हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन आपके लेजर में, जो आपका लेजर रहता है ओवरऑल ट्रेड्स का, उसमें ये नंबर आपको दिखेगा, और वो भी T+2 दिनों के बाद जब आपकी डिलीवरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये था डीपी चार्ज का एक बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन, और कुछ स्टॉक ब्रोकर्स का हमने आपको एग्जांपल्स भी दिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आज की तारीख में जो बड़े स्टॉक ब्रोकर हैं किस रेंज में आपसे डीपी चार्ज लेते हैं, जो कि रेंज काफ़ी वाइड है, कोई कम लेता है काफ़ी तो कोई ज़्यादा। तो डिपेंडिंग के आपको किस तरह का स्टॉक ब्रोकर चाहिए उसके डीपी चार्ज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये डीपी चार्ज आपके प्रॉफिट में से कटने वाले हैं। जो भी आपने ट्रेड मारा है उसके ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट बनने वाला था उसमें से ये चार्ज ब्रोकरेज चार्जेस, टैक्सेस, स्टैंप ड्यूटी के अलावा कटने वाले हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको शायद पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह के खर्चे स्टॉक मार्केट में आपको पता होने चाहिए। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है और डिजिटल ब्लॉगर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।